लालच के विषय में आपकी क्या राय है? बिहार में जो शिक्षा नियोजन की जो योजना आई है इस पर काफी राजनीति हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? यह शिक्षक फर्जी भर्ती घोटाला है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। स्वागत है आपका नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार सूर्य, आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। आज हमारे बीच भाजपा बिहार प्रदेश के कद्दावर नेता श्री मनीष पांडे जी जुड़ रहे हैं, जिन्हें बचपन से काफी रुचि थी राजनीति में आने की, जो एक सामान्य व्यापारी परिवार से आते हैं। आइए उनके राजनीति जीवन के बारे में जानें और बिहार और पूरे देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें। फॉर्मल टॉक्स के स्टूडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं सर? बढ़िया, अच्छे। सर्वप्रथम हमारे दर्शकों को आप अपने वाणी से अपने विषय में कुछ बताइए। सबसे पहले तो फॉर्मल टॉक्स के सारे दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं इसी भूमि में पैदा लिया हूँ, मेरी जन्मभूमि मेरी कर्मभूमि जमुई है। मैं मुख्य रूप से गिद्धौर का रहने वाला हूँ। छात्र जीवन से ही सामाजिक रुचि वही है मेरी, स्कूल से ही मैं सामाजिक कार्यों में लगा रहा। मुझे एक गलत फहमी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि देश की सेवा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ सैनिक कर सकता है, सेना में जाके ही देश की सेवा किया जा सकता है। मैं व्यवसायी परिवार में पैदा लिया, इसलिए जब मेरे पिताजी को मेरे घर वालों को ये बात पता चला तो वो लोग मेरे ऊपर बिगड़ते थे कि सेना में कैसे जाओगे। लेकिन मेरा संपर्क मेरे जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरे सोच को बदला। जब मैं मैट्रिक करने के बाद जब इंटर में गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया तब मुझे लगा कि नहीं, देश की सेवा हर व्यक्ति कर सकता है और अपने स्थान से कर सकता है। और तभी से मेरी सामाजिक क्षेत्र में रुचि और ज्यादा बढ़ गई और निश्चित रूप से मैंने अपने जीवन में पूरा प्रयास किया कि मेरे द्वारा किसी का अहित न हो। मुझे लगता है कि अच्छे संगठन से जुड़ने का, अच्छे विचारों के संपर्क में रहने का यह एक बहुत बड़ा फायदा है। जैसा कि आपने एबीवीपी की बात की तो आपने किस वर्ष एबीवीपी को ज्वाइन किया? मैं 92-93 से 2000 तक मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा। कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां थी, नगर मंत्री से लेकर प्रदेश कार्य समिति, फिर जिला प्रमुख आदि के दायित्वों को मैंने निर्वहन किया। और तब जब 90 के दशक में बिहार में लालू प्रसाद जी का राज था तब हम लोगों ने छात्र जीवन में उस संघर्ष के दौर में हम लोग कैंपस की राजनीति किए, छात्र की राजनीति किए और तब छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत किए। मुझे लगता है वो एक तरह से कहते हैं कि कसौटी पे उसको खरा उतरना वो प्रक्रिया था, वो समय था। और आज के संदर्भ में जब हम उस 90 के दशक को जब याद करते हैं तो मुझे लगता है कि अपना बिहार बहुत बदला है और वो चुनौतियां जो तब के छात्रों के समय थी आज की चुनौतियां बहुत बदली हुई है। लोगों के विचार एक अलग थे, तब जातीय नरसंहार बिहार में बहुत ज्यादा था, अपराध बहुत ज्यादा था। ऐसा नहीं था कि अपराधी कोई खास वर्ग के थे, कोई खास जाति के थे। एक मनोवृत्ति थी लोगों की, कोई भी व्यक्ति राह चलते किसी से कोई छीन ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अपराध करने की मनोवृत्ति हर लोगों में इस प्रकार से थी कि किसी को पीट देना, मार देना, हत्या कर देना, ये कानून का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव या डर लोगों के दिमाग में नहीं था। और जातीय आधार पे जिस तरह से नक्सलवाद और अन्य चीजें यहाँ पर थी उसने बिहार को पूरे देश में बदनाम कर रखा था। और 15 वर्षों में बिहार ने बहुत कुछ खोया। आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो काफी बदलाव आया है लोगों में, आम जनता के अंदर भी सोच बदली है, प्रशासनिक सोच बदली है, लोगों के काम करने का स्टाइल बदला है। और अब हर परिवार चाहता है कि वह शिक्षित बने, जाति पाति की भावना पहले से बहुत खत्म हो गई। हर लोग, हर जब हम देखते हैं स्कूलों में कॉलेजों में या कोचिंग आते जाते लड़कों को तो जातीय जो एक दुर्भावना थी पहले उस समय में वह काफी कमा है और बहुत बदलाव आया है। बिहार अपना उस दशक से जिस दशक में हम लोग छात्र थे, आज जब हम लोग अभिभावक की तरफ हो गए हैं, हमारे बच्चे भी अब स्कूलों में पढ़ने लगे हैं, हम देखते हैं कि बिहार का माहौल बहुत बदला है। आपने जाति की बात की तो
जाति जनगणना के बारे में आपको क्या राय है? देखिए, जातीय गणना एक सिस्टम है, किसी भी सरकार को किसी भी समाज को यह जानने का हक है कि वह उसकी आबादी कितनी है, उसको सरकारी संसाधनों का लाभ कितना मिल रहा है। यह बहुत जरूरी चीज है जातीय गणना का, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत समर्थन करता हूं। एक सिस्टम मैं पूछता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था या उस समय संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था को क्यों लाई? जी, इसीलिए आया कि समाज के दबे कुचले जो उस वर्ग के लोग हैं उनको एक विशेष सुविधा देकर उनको मुख्य धारा में सभी लोगों के बराबर लाने का प्रयास किया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि उन लोगों ने तय किया था कि हर 10 वर्षों में उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि कितना फायदा मिला, उसमें और क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। लेकिन अगर उस समय के सत्ता में बैठे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और आजादी के 75 वर्षों में आज भी अगर हमको यह लगता है कि हमारे समाज में रहने वाले, हमारे गांव के कुछ टोलों में रहने वाले लोग आज अगर बहुत पिछड़े हैं, आज अगर बहुत गरीब हैं, उन तक अगर शिक्षा नहीं पहुंच पाया, तो क्या वाकई में 75 वर्षों के बाद भी उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है? और दूसरा सवाल यह भी है कि अगर 75 वर्षों में हम उन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा पाए, तो जिम्मेवार तो ऐसे ही लोग हैं जो सत्ता में कहीं ना कहीं रहे, उसमें उनकी क्या गलती जिन तक आज तक 75 वर्षों तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन सवाल यह जरूर उठेगा जो लोग 75 वर्षों तक सत्ता में रहे उन पर जिम्मेवारी जरूर तय होगी कि उन्होंने आरक्षण का लाभ उन परिवारों तक नहीं पहुंचाया जिसके लिए आरक्षण बना था। तो देखिए, 75 वर्षों में आजादी के कई ऐसी चीजें जो व्यवस्थित होनी चाहिए थी, कई ऐसी व्यवस्था जिसका लाभ समाज तक मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। आज यही कारण है कि जातीय जनगणना के नाम पर या आरक्षण के नाम पर राजनीति होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि जरूरी दोनों है, लेकिन जो चीजें समय पर हो जानी चाहिए थी वो समय चीजें चूंकि समय पर नहीं हो पाई, इसीलिए यह विवाद है। तो 75 सालों में जातीय जनगणना नहीं हुई और आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिला, तो आपकी सरकार 2014 के बाद अभी तक सत्ता में है आप लोग, तो आपने अपने सरकार के ओर से या आपने किस प्रकार आरक्षण का लाभ जनता को दे पाया अब तक? नहीं, देखिए, लाभ देने की जहां तक बात है तो संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एक बात ध्यान में रखिए कि 1952 में पहली बार जब आरक्षण पर विचार किया गया था, उस समय भी हमारे जनसंघ की तरफ से हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी या भारतीय जन जो विचार अपना जनसंघ था वह उस समय आरक्षण के समर्थन में खड़ी थी। 62 में जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तब कैलाशपति मिश्रा जी जो थे वह वित्त मंत्री थे बिहार के, बहुत कम लोग जानते हैं इन बातों को। उस समय पहली बार जो है वह आरक्षण दिया गया था जिसमें 3% EWF को भी मिला था, बहुत कम लोग इन बातों को जानते हैं। तब भी कैलाशपति मिश्र जी हमारे वित्त मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया था उस आरक्षण का। जब 2005 के बाद नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बनी थी तब भी हम लोगों ने, या मंडल कमीशन ही जब आया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी थी। वो तो जब कमंडल के माध्यम से जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, जब आंदोलन हुआ, तब हम लोगों ने उस सरकार से अपना समर्थन वापस किया चूंकि हमारे नेता कहीं लालू प्रसाद ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मंडल कमीशन के मामले में हम लोग तभी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ थे। बिहार में पंचायतों में जब आरक्षण देने की बात आई थी पिछड़ा थी पिछड़ा को, तब भी हम लोग उनके साथ थे, कहां किसी ने विरोध किया। जातीय गणना की ही बात हुई अगर जो, तो मंत्रिपरिषद में पहले विधानमंडल दल में जब प्रस्ताव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी साथ थी। मंत्रिपरिषद में जब आया तो हमारे 16 मंत्री उसमें मंत्रिपरिषद में जब प्रस्ताव पास करके भेजा गया तो भी साथ में थे, और प्रधानमंत्री से मिलने की बात भी जातीय गणना की तब भी हमारे साथ थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने इतना ही नहीं, एससी एसटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रभाव को कम करने की बात की थी, तो नरेंद्र मोदी जी की यही सरकार ने अलग से विशेष कानून लाकर और उन्होंने फिर से उसको बहाल किया। EWF के मामले में 10% देने की बात थी, उसको सरकार ने समझा कि हाँ यह उचित है तो सरकार ने उसको लागू करने का बात आया। या किसी भी प्रकार की बात हो, अभी महिला आरक्षण विधि लाने की बात आई तो आप देखेंगे कि उसमें भी हमारी सरकार ने उसको आगे बढ़ चढ़ के
जो कई बार कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो जिसने महिला आरक्षण बिल को आज तक पास नहीं किया, हमारी सरकार ने देखिए आरक्षण महिला आरक्षण बिल को पास किया। और यह भी मैं बता दूं, कई लोग राजनीति करते हैं, क्योंकि जनगणना होना कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाया था, वह रुक गया था, 2024 के बाद जनगणना होगा, फिर नया परिसीमन होना है, तो जब नया परिसीमन होगा तो महिलाओं का यह जो बिल है वह भी पूरे प्रभाव में आएगा और महिलाओं को पूरी तरीके से आरक्षण दिया जाएगा, उनके लिए सीट आवंटित होगी कि कौन से सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो। तो भारतीय जनता पार्टी 9 वर्षों से केंद्र में, 9.5 सालों से ही केंद्र में, यह आरोप लोग लगाते हैं जो लोग 55 वर्षों तक कांग्रेस जैसी पार्टियां निर्बाध रूप से झंडा गाड़ के झंडा खड़ा करके इस देश में शासन की, उन लोगों ने तो आज तक इस विषय पर कभी कोई चर्चा नहीं किया। 1931 के बाद इस देश में कोई जनगणना नहीं हुआ, 2011 में उन्होंने जनगणना किया भी तो उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं थी, और आज 9 वर्षों में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के विभिन्न हर क्षेत्रों में हर टोलों में बिजली आई, उस समय यह नहीं देखा गया कि यह पंडित का टोला है कि दलित महादलित का टोला है, हर टोले में जल नलजल पहुंचाया गया, हर टोले में जो है वो सड़कें बनाई गई, हर टोलों को चाहे वह पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो हर टोलों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया, शौचालय दिया गया, यहाँ तक इस देश के 80 करोड़ उन सारे गरीब परिवारों को जो किसी भी जाति के आते हो, जो 2011 की जनगणना में आर्थिक सामाजिक जनगणना में जो लोगों का नाम है उन सारे लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज देने का काम किया, अब तो कोई जाति नहीं देखा गया, उस आधार पर देखा गया कि दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा कौन है सबको मिले, या हिंदू कौन है मुसलमान कौन है सबको दिया गया। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से बिना किसी भेदभाव किए हुए विकास करने का काम किया, और मुझे लगता है शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में कायम। विपक्ष ऐसा कहती है कि बीजेपी सिर्फ धर्म हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान पर अपना राजनीति करती है, वो रोजगार गरीबी ये सब पर ध्यान नहीं देती है, ऐसा क्यों? नहीं देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना जी, और जो लोग हिंदू देवी देवताओं के पर्व त्योहार में छुट्टियां काट देते हैं ये तुष्टिकरण करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कोई कारण कि विपक्ष कितना भी चिल्ला ले, कितना भी हल्ला कर ले, कितना भी एक हो जाए, बिहार जम्मू के लोग मोदी जी को छोड़कर किसी दूसरे को पसंद करें। आप बीजेपी के एक चर्चित चेहरा है, तो आप झाझा को कितना जानते हैं या झाझा आपको कितना जानती है, यहाँ की जनता आपके नाम से परिचित है? यानी जनता मेरे नाम से कितना परिचित है ये तो मैं नहीं करता, लेकिन हाँ मैं झाझा से अच्छी तरह परिचित हूँ, झाझा मेरी कर्म भूमि रही है जी, और झाझा में मैंने सामाजिक और राजनीतिक दोनों भूमिका निभाई है। झाझा से मैंने 2000 में निर्दलीय चुनावी विधानसभा का लड़ा, और मेरी पूरी इच्छा रही कि मैं झाझा को अपनी सेवा दे सकूं जहां तक हो सकता है, लेकिन क्या है कि मैं एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहा हूं, तो उस पार्टी का जो अनुशासन है उस अनुशासन के साथ भी मैं बंधा हुआ हूं, तो संगठन मुझे जितना करने की इजाजत देता है मैं कोशिश करता हूं कि उस सीमा को मैं नहीं तोड़ूं। तो आप बीजेपी के कार्यशैली से प्रभावित हैं इस कारण उससे जुड़े हुए, या इसमें आप अपना करियर देख रहे हैं? नहीं दोनों चीज है। देखिए जब इसको मैंने शुरू में कहा कि स्कूल के जमाने से मेरी रुचि समाज सेवा में रही, फिर धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद से जो गैर राजनीतिक संगठन है उससे मेरा संबंध जुड़ा, और तब मैंने जाना कि नहीं ये आप देश की सेवा कर सकते हैं, हर व्यक्ति कर सकता है। धीरे धीरे मेरी सामाजिक रुचि राजनीतिक रुचि में बदल गई, जो स्वाभाविक भी है। अब देखिए आज के जमाने में सामाजिक कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा परिवेश हो गया है कि हर राजनीतिक व्यक्ति या हर सामाजिक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति है या हर राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है, आप किसी को अब अलग अलग नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं हर सामाजिक बड़े बड़े सेवी पर भी कोई ना कोई किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा होने का आरोप लग ही जाता है जी। तो मेरी राजनीतिक में रुचि बढ़ती गई, फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, मैं गिद्धौर में मंडल अध्यक्ष रहा, फिर युवा मोर्चा में रहा, युवा मोर्चा के कई प्रदेश के पद पर रहा, फिर भाजपा आईटी सेल का
प्रदेश का संयोजक बना। उसके बाद मैं मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया में रहा, अभी क्षेत्रीय सह प्रभारी का दायित्व है। इस प्रकार से पार्टी ने जो दायित्व मेरे ऊपर, उसी बीच में मैं जब 2000 में चुनाव लड़ा था तो मैं विद्यार्थी परिषद का जिला प्रमुख था, क्योंकि विद्यार्थी परिषद राजनीतिक क्षेत्र में डायरेक्ट की इजाजत नहीं देती, इसलिए मुझे विद्यार्थी परिषद से पदमुक्त कर दिया गया था। तब मैंने एक साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक राजनीतिक कैरियर शुरू हो गया। लेकिन चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल था और झाझा विधानसभा वो जनता दल यू के खाते में चला गया था, तो यहाँ चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लड़ा ही नहीं था चुनाव, इसलिए मैं उसके बाद चुनाव के योग्य नहीं था। लेकिन हर वैसे कार्यक्रमों में जहाँ मेरी जरूरत पड़ती थी या मुझे लगता था, मैं निश्चित रूप से झाझा में अपना योगदान किया हूँ। और कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे होते हैं, कई ऐसे राजनीतिक विषय होते हैं, जब आप राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो बड़ी विडंबना है राजनीति की, कि आपको कई चीजें जहां प्रेरित करती हैं कुछ करने के लिए, वही कई ऐसी शक्तियां हैं जो आपको रोकती भी हैं। और जहां गठबंधन का दौर चलता है जिस जगह पे, तो उस गठबंधन के दौर में आपको गठबंधन की मर्यादा भी, कई ऐसी बातें होती है जहां पर आपको विरोध करना होता है, वहां पर गठबंधन आपके आड़े खड़ा होता है, आपको रोकता है कि उस गठबंधन की मर्यादा को, उस सीमा को आप तोड़ नहीं सकते। यदि भविष्य में कोई और राजनीतिक दल अगर आपको विधानसभा का टिकट देती है तो उस समय आपका फैसला क्या होगा? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत सिपाही हूं। अगर मुझे टिकट की चाहत होती या विधायक बनने की ही केवल, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह दूं कि हर राजनीतिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि वह विधायक बने, सांसद बने, जनप्रतिनिधि बने। लेकिन मैं यह मानता हूं, मेरी अपनी खुद की सोच है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकूं, मैं नेता बन सकूं। सांसद और विधायक तो कोई भी बन सकता है, लेकिन नेता हर कोई नहीं बनता। और नेता उसी को कहते हैं जिसको हर लोग दिल से प्यार करे, दिल से चाहे। तो जरूरी नहीं है कि आदमी विधायक हो ही जाए, सांसद हो ही जाए। यह तो एक गणना है, एक वोट है, एक प्रक्रिया है जिसके तहत अगर आप जीतते हैं तो विधायक बनते हैं। लेकिन लोगों के दिलों में घर बनाने के लिए तो आपका कर्तव्य, आपका जो करनी है, आपका जो काम है वह काफी है, और मैं उसका प्रयास करता हूं। अगर मेरी उम्र अभी बची है तो मेरा निश्चित रूप से यह प्रयास रहेगा कि मैं झाझा वासियों के दिलों में अपना जगह बना सकूं। आपने झाझा की बात की, तो झाझा को अनुमंडल बनाने के विषय में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से झाझा को अनुमंडल होना ही चाहिए, क्योंकि जमुई जिले में कोई भी अनुमंडल नहीं है और झाझा एक पुलिसिया अनुमंडल है भी यहाँ पर। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि पिछले, जब से नीतीश जी आए हैं, नीतीश जी के आने के बाद दुर्भाग्य यह है कि बिहार में कई ऐसे जगहों पर अनुमंडल बनना चाहिए था, जिला बनना चाहिए था, लेकिन नीतीश जी ने उसको कभी अपने एजेंडे में रखा नहीं। और हम लोग भी, हमने शुरू में ही कहा कि देखिए, गठबंधन की एक मर्यादा होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहकर उस मर्यादा का हमेशा पालन किया। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को कई क्षेत्रों में बदनामी भी मिली। तो झाझा के अनुमंडल बनाने का मांग जो है बहुत पुराना है। हम लोगों ने कई बार उस पर धरना भी दिया, झाझा वासियों ने भी कई बार धरना दिया, और निश्चित रूप से झाझा को अनुमंडल बनना चाहिए, झाझा डिजर्व करता है। क्योंकि चकाई को भी, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़े खुलेआम कहता हूँ, क्योंकि चकाई भी अपना अंग है, हम जिलेवासी हैं तो चकाई। लेकिन चकाई और झाझा में बड़ी विशेषता यह है कि चकाई चूंकि झारखंड के बॉर्डर पर है, वह बिल्कुल वन साइडेड हो जाता है, लेकिन अगर झाझा अनुमंडल बनता है तो झाझा एक सेंटर होगा जहां से चकाई भी नजदीक है, सिमुलतला वो सुदूर इलाका भी नजदीक है, अगर खैरा का क्षेत्र आता है तो वह भी नजदीक है, अगर इधर लक्ष्मीपुर का क्षेत्र आता है तो वह भी नजदीक है। तो भौगोलिक रूप से भी अगर हम देखेंगे, अगर झाझा अनुमंडल बनता है तो मुझे लगता है कि एक बड़े भूभाग के आवागमन की सुविधा और अन्य चीजों की सुविधा में, रेलवे से जो कनेक्टिविटी है झाझा की, उससे भी अगर हम देखेंगे तो झाझा के अनुमंडल बनने से बहुत ज्यादा फायदा लोगों को मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से बनना चाहिए। और मेरी यह आवाज, मेरा यह वीडियो अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि तक पहुंचे और खास करके इस राज्य के मुखिया को पहुंचे, मैंने बीच में भी इसकी मांग उठाई थी जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कई ऐसे दो तीन जिले बाढ़ को, और एक और जिला था उसको जिला बनाने की बात जब मुख्यमंत्री जी ने कही थी, तो मैंने यह मांग की थी कि अगर इस बीच में कोई भी मुख्यमंत्री जी कोई भी जिले की घोषणा करते हैं तो निश्चित रूप से झाझा को भी अनुमंडल की घोषणा होनी चाहिए।
माना जाता है कि बीजेपी संघ की विचारधारा से जुड़ी हुई है, तो या आप कभी संघ के शाखा में गए? नहीं, संघ की शाखा में मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ, लेकिन नियमित रूप से नहीं गया। उसका वजह है कि विद्यार्थी परिषद में मेरा पहले संपर्क हुआ था, तो तब जितने भी कार्यक्रम होते थे वो विद्यार्थी परिषद के और संघ के लगभग एक साथ ही होते थे। तो चूंकि विद्यार्थी परिषद में मेरी भूमिका काफी सक्रियता के साथ रही, तो जब भी राष्ट्रीय अधिवेशन होता था या प्रांतीय अधिवेशन होता था, तो तब मैं जब संघ का कार्यक्रम होता था उस समय मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं रहता था। लेकिन अपनी मातृ संगठन है तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, सारा विचार तो वहीं से उसका प्रभाव होता है। विपक्ष संघ का इतना विरोध क्यों करती है? देखिए, चूंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना। देखिए, इस देश में कई विचारधारा हुए, जैसे समाजवादी हुए, कांग्रेसी हुए, वामपंथी हुए, तो जो राष्ट्रवादी विचारधारा है अपना, तो आज यही कारण है कि देश जब से राष्ट्रवादी विचारधारा संघ के साथ देश खड़ा हुआ है, संघ के विचार से जिस तरह से देश खड़ा हुआ है, आप देखेंगे कि हमारा देश फिर से एक बार परम वैभव की ओर जा रहा है। और सच्चाई है कि संघ तो सबको अपने में समाहित करता है, सबको साथ लेके चलने की बात होती है, तो संघ ने कभी किसी धर्म का विरोध थोड़ी किया, संघ ने तो कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया। लोगों को लगता है कि संघ हमारे धर्म का विरोध करता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस देश की सबसे बड़ी समस्या है यह देश विभिन्नताओं में एकता का देश है जी। क्योंकि अगर हम गुलामी कालखंड को छोड़ दें, तो गुलामी कालखंड के पूर्व आप देखेंगे तो इस देश में क्या विकृतियां थी। सनातन की बात अगर हम करें तो सनातन में, अब आज वो कहते हैं रामचरितमानस की पंक्तियों पे सवाल खड़ा करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं तो इतने मंदिर में जाता, आपके दर्शकों से भी मेरा यह विशेष निवेदन होगा कि जरा इन चीजों को ढूंढिए, तो क्या सबसे ज्यादा आसान है जाति के नाम पर किसी को भी भ्रमित कर देना कि वह अगला है, वह पिछड़ा है, वह फलाना है, जाति सूचक या जाति लगा के किसी को भी आप पढ़े लिखे लोगों को भी आप जो है सो वो आप उसको बरगला सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं और विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मल टॉक्स के आज इस कार्यक्रम में मैं चाहता हूं कि कुछ पॉजिटिव बातें दर्शकों तक पहुंचे। मैं कई मंदिरों में जाता हूं, मैं बड़ी प्राचीन मूर्तियों को देखता हूं, कभी किसी मूर्ति को मैंने किसी भी देवता को जूता पहने हुए नहीं देखा। मैंने बड़े पुराने पुराने सीरियल देखे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी का इस देश में कोई अस्तित्व भी नहीं था, हम बहुत छोटे छोटे थे, तब चाणक्य सीरियल चला करता था, रामायण और महाभारत सीरियल चला करता था। जरा उठाकर देखिए कितने राजाओं के पैरों में उस पर जूते दिखाए गए। भाई जब हमारे देवी देवता राजा महाराजा पैरों में जूता नहीं डालते थे, तो ये जूता बनाने वाली जातियां कहां से आ गई? जरा विचार कीजिए। मोदी जी ने हर घर में शौचालय हो इसके लिए बड़ा अभियान चलाया, फिर भी आज कई घरों में शौचालय नहीं पहुंच पाया। आज भी हम देखते हैं अपने अगल बगल में रानी घाट, राजा घाट, इस प्रकार का हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। उस जमाने में जब हमारा देश गुलाम नहीं हुआ था, राजा और रानियां भी शौचालय में शौच जाती थी, नदियों के किनारे उनके लिए घाट हुआ करता था, जहां वह स्नान ध्यान के लिए जाती थी, शौच के लिए जाती थी। भाई जब हमारे यहाँ राजा महाराजा भी खुले में शौच जाते थे, तो ये सिर पर मैला धोने वाली जातियां कहां से आ गई? जरा विचार कीजिए। तो दूसरी बात, कभी हमने किसी नाई का गांव देखा क्या? हमने कभी किसी धोबी का गांव देखा क्या? हमने किसी लोहार का गांव देखा क्या? ऐसी जातियां जो कर्म के आधार पर है, उनकी बहुतायत में हमने कोई गांव देखा क्या? नहीं देखा। हमने टोले देखे, वो भी 2-4-5-6 घरों के। हमने कभी विचार किया कि नाई से जनसंख्या ज्यादा धोबी की कैसे हुई, धोबी से ज्यादा जनसंख्या कुम्हार की कैसे हुई, कुम्हार से ज्यादा जनसंख्या कहार की कैसे हुई? तो
तभी विचार किया क्या? इसलिए होगी क्योंकि बाल दाढ़ी बनाने वाले लोग एकाध भी पूरे गांव का बना दिया करते थे। कपड़ा धोने में 5 लोग भी लगते थे तो पूरे गांव का गुथो देते थे, लेकिन उस समय में बर्तन बनाने वाले लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ती थी, इसलिए दोनों से आबादी उनकी ज्यादा थी। खाने का जो काम करते थे वहां पर 4 लोग लगते थे तो 4 लोग साइड से चलते थे, उनकी संख्या ज्यादा रहती थी। ये जो कर्म के आधार पर जो लोग लगे थे उनको जब हम गौर से देखेंगे तो कर्म के आधार पर ही आज भी हम देखेंगे जो बाद में जन्मना हो गया, जन्म के आधार पर हो गया वो जातियां, मतलब जो बेटी उठाने वाले लोग हैं उनके बेटे भी उसी काम में लग गए, बर्तन बनाने वाले लोग के बेटे भी उसी काम में लग गए, चूंकि वो सुलभ था, बाप का बेटा, बेटा का पोता, पोता का, इस तरह से कर्म के आधार पर जो चीजें बनी थी वो बाद में जन्म के आधार पर हो गई। लेकिन जब हम जनसंख्या के आधार पर आज उसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि वाकई में आज से 2000 चाहे 3000 साल पहले ये सारे लोग कर्म के आधार पर ही लगाए गए थे, न कि जाति के आधार पर लगाए गए थे। लेकिन जब हमारा देश गुलाम हुआ, जब मुगल आए, जब अंग्रेज आए, तो इनको सबसे आसान लगा छुआछूत। ये चमड़े की थैली हमारे यहां कौन इस्तेमाल का, 1857 का गदर जो हुआ था चमड़े की थैली के कारण हुआ था, जिसको दांत से जो गाय के चमड़ा से बनता था, पहला आंदोलन। तो जब चमड़े को छूना ही पाप था तो अंग्रेजों ने चाहे वो जिसको भी दंड दिया हो कि तुम चमड़े का काम करोगे, उसको तो समाज के हर वर्गों ने अपने से अछूत बना दिया ना। हमारे यहां चूंकि गाय का चमड़ा ही अछूत था तो चाहे वह किसी क्षत्रिय को उसकी सजा दिया हो या किसी को भी उस काम में लगाया हो अंग्रेजों ने सजा देकर कि तुमको जूता बनाना है चमड़े का, उसको गांव समाज के सभी वर्गों ने अछूत बना दिया। और यह परंपरा धीरे धीरे ऐसी हो गई कि वह वही कर्म किसके साथ साथ जन्मना हो गया। तो मैं उन्हीं लोगों से जो आज रामचरित मानस की उन पंक्तियों पर सवाल खड़ा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज गुलामी काल के पहले बता देना कोई हमको कि हमारे सनातन समाज की क्या सच्चाई थी, सबरी के झूठे गए राम ने क्यों खाए, वाल्मीकि किस समाज से आते थे, और अगर उस समाज से आते थे तो उन्होंने रामायण लिखा और लिखा तो कैसे तो लोगों ने उसको स्वीकार किया। तो ये देखिए, ये कुछ लोग जो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं वो आज उसको लोगों को बता रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको कोई भेदभाव नहीं है। आज पटना के गांधी हनुमान मंदिर में आज उसी समाज के लोग आज पुजारी बनके बैठे हैं, गायत्री परिवार में आप देखेंगे सारे लोग पूजा पाठ कराते हैं, कभी उसमें कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हुआ, हम लोग आते जाते हैं, किसी ने तो कभी विरोध नहीं किया, किसी पंडित ने कहा है जो जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, कभी कहा हो कि क्यों पटना के हनुमान मंदिर में जब किशोर कुणाल ने पहली बार व्यवस्था किसी दलित समाज के पंडा को वहां रखने का, तो किसी ब्राह्मण समाज ने कभी विरोध किया? कभी हमने तो नहीं सुना। हुआ है तो कोई मुझे चैलेंज करके दिखा दे, मैं चुनौती देता हूं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो हमारे यहां को इस प्रकार की भावना ही नहीं रही। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ओबीसी की राजनीति करेंगे, बिहार में जो शिक्षा नियोजन की जो योजना आई है इस पर काफी राजनीति हो रही है, इस पर आपकी क्या राय? नहीं देखिये, 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और उनके इस बात को बिहार के युवाओं ने अपने सिरांगे पर लिया और उन्होंने वोट भी दिया, अच्छी सीटें भी उनको दिलाई, और उनकी सभा में युवाओं की भीड़ भी काफी रहती थी, लोगों ने बहुत उनको सहयोग भी किया, इस बात को हमने भी मानते हैं। लेकिन जब सरकार बनी तो पहले दिन से पहले कैबिनेट में पहली कलम तो उनकी खो ही गई, लगभग 7वें चरण के शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया को उन्होंने लटकाने का काम किया, पहले तो नियमावली के नाम पर लटकाया, उसके बाद कहा कि अब जो है 7वें चरण की बहाली नहीं होगी, अब बीपीएससी उसकी परीक्षा लेगी, बीपीएससी के बाद उन्होंने क्या किया कि बीच बीच में कई प्रकार के नियम बन गए, उसके बाद डोमिसाइल जो है उसको हटा दिया, जहां बिहार के युवाओं को खुद नौकरी की जरूरत थी वहां पर पूरे राज्य भर के दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी आमंत्रित कर दिया गया डोमिसाइल को हटाकर, उसका विरोध हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इसके विरोध में आंदोलन किया, लाठियां चली, हमारे एक कार्यकर्ता जो जहानाबाद के महामंत्री थे उनकी मृत्यु भी हो गई,
और कई छात्र नेता भी अलग अलग आंदोलन में पीटे गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह पूरी जो प्रक्रिया हुई है बीपीएससी के माध्यम से 1,70,000 जो पद सृजित किए गए और उसकी परीक्षा ली गई, उसमें क्या हुआ? उस परीक्षा में टोटल 1,22,000 लोगों का ही रिजल्ट दिया गया, जबकि 1,32,000 लोग भी मात्र बैठ पाए, क्योंकि एसटीईटी किए हुए लोग की कमी थी। अब सरकार की नियत का देखिए कि बीपीएससी की परीक्षा लेने के एक महीना के बाद बिहार की सरकार ने जो एसटीईटी की परीक्षा 2011 के बाद करवाई नहीं थी, वो बीपीएससी द्वारा परीक्षा लिए जाने के एक महीना के बाद करवा के एक महीना के अंदर उसका रिजल्ट दे दिया। यही परीक्षा अगर आप एक महीना पहले लिए होते, अब देखिए इसमें समस्या क्या है। बिहार सरकार की कभी यह मंशा ही नहीं रही कि शिक्षकों का नियोजन हो, और इसके लिए बिहार सरकार ने लगातार कुछ न कुछ अड़ंगा डालने का काम किया। अब आप देखिए कि 1,70,000 के आसपास जो पदों को सृजित करके उसके नियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसमें एसटीईटी के अंदर अभ्यर्थी नहीं मिले, उसका परिणाम क्या हुआ? मात्र 1,32,000 अभ्यर्थी ही उस परीक्षा में बैठे और 1,22,000 का ये रिजल्ट दिया। अब यही एसटीईटी की परीक्षा जो उन्होंने बीपीएससी की परीक्षा के बाद की, ठीक बाद एक महीने के बाद, वही एसटीईटी की परीक्षा जो 2011 के बाद से हुई ही नहीं थी, अगर वे बीपीएससी की परीक्षा के पहले कर दिए होते तो मुझे लगता है कि वो 50,000 पद रिक्त हो गए, अभ्यर्थी आए नहीं, मिले ही नहीं विभिन्न विभिन्न विषयों के, कम से कम ये तो दिक्कत नहीं आती, ये पूरा हो जाता। तो 1,70,000 का उन्होंने जो लक्ष्य रखा था वो लक्ष्य पूरा हो जाता। दूसरी बात देखिए, उन्होंने बेरोजगारी हटाया, कह रहे थे कि बिहार के लड़कों को हम रोजगार देंगे और आमंत्रित करिए पूरे भारत के लड़कों को, ठीक है वो आपका नियम कहता है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप एसटीईटी की परीक्षा पहले करा लेते तो ये जो पद इतने रिक्त रह गए, लड़के ही नहीं आए, वो नहीं हो पाता। अब क्या हुआ, आप देखिए कि जब रिजल्ट आया है तो उस रिजल्ट में कितनी धांधली हुई है, इतनी धांधली हुई है, लड़के खुद बता रहे हैं कि एक तो एसटीईटी जो नहीं दिया बिहार का बाहर के लड़के, चूंकि 2011 के बाद हुआ ही नहीं, 2023 में उसका रिजल्ट आ गया, बीएड वालों का रिजल्ट नहीं देना था 1-6 में, उसका भी रिजल्ट आ गया है, इसी तरह एक लड़के का 3-3 जगह रिजल्ट हो गया। अब आप बताइए कि आप कहते हैं कि हम 1,22,000 लोगों को दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षक थे पहले उनको बोला गया कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, फिर बोला गया कि ये परीक्षा देंगे उसके बाद इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उसके बाद बोला गया कि इनकी विभागीय परीक्षा होगी उसके बाद इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, और आज तक यह तय नहीं है कि इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो किस तरीके से दिया जाएगा। बोला गया कि शिक्षक को नेताओं के साथ बैठक हो गई, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से घोषणा करेंगे, लेकिन टाई फीस हो गया। तो पूरी तरीके से ये जो मामला है, यह मामला पूरी तरह से फ्लॉप शो है। अभी तक ना तो बीपीएससी ने ना ही बिहार के शिक्षा विभाग ने कोई आंकड़ा जारी किया है, इन लोगों ने 1,22,000 का जो रिजल्ट दिया है उसमें पूर्व के नियोजित शिक्षक, मतलब जो ऑलरेडी शिक्षक है विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वह कितने पास हुए 1,22,000 में, दूसरे राज्यों से जो शिक्षक आए हैं वह कितने पास हुए, और शेष बच्चे जो फ्रेशर जो बिहार के लड़के हैं जो नौकरी जिनको सही में मिलना था, क्योंकि बाकी लोग तो नौकरी कर रहे थे, ऐसे कितने लोग हैं ये आंकड़ा बिहार की सरकार आज तक नहीं बता पाई, क्योंकि बिहार की सरकार को पता है कि अगर हम बताएंगे तो 1,22,000 में मात्र 12-15,000 ऐसे लड़के हैं जो फ्रेशर हैं जिनको की इस नियोजन प्रक्रिया के तहत नौकरी मिली, और घोटाला इसमें इतना बड़ा हो रहा है कि ये सेकंड लिस्ट वेटिंग लिस्ट जारी नहीं कर रहे। जैसे एक लड़का 3 जगह उसका अगर रिजल्ट हो गया, वो 1,22,000 के ही काउंटिंग में है, कोई एक जगह पर अगर वो नियोजन अपना कराता है, चाहे प्राथमिक में, चाहे माध्यमिक में, चाहे उच्च माध्यमिक में, तो बाकी 2 जो सीट रिक्त रह जाएगा उसके लिए आपको सूची दे रहे कि नहीं दे रहे, नहीं दे रहे हैं तो आप भरेंगे कहां से भरेंगे? जो लड़के एसटीईटी की परीक्षा नहीं दिए हैं उनका भी रिजल्ट कैसे आ गया? आप तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से रिजल्ट हम इतना जल्दी दे दिए, तो टेक्नोलॉजी में कहां लीकेज था जिसके कारण इस तरह से गड़बड़ सड़े वाले लड़के भी आज उनका भी रिजल्ट हो गया,
यह पूरी तरीके से महाघोटाला है, शिक्षक भर्ती महाघोटाला है, चारा घोटाला की तरह यह भी इस सरकार का बहुत बड़ा महाघोटाला है बिहार सरकार को। दूसरी चीज एक और है, सब क्यों खड़ा होता है जी? क्योंकि जब आपने बीपीएससी को एजेंसी बना दिया, बीपीएससी को कहा कि आप परीक्षा दीजिए, तो नियम यही कहता है कि जिस एजेंसी को सरकार हायर करती है वह वन टू लास्ट अंतिम तक उसका काम होता है कि जब तक रिजल्ट फाइनल करके सारा चीज स्क्रूटनी करके वह सरकार को नहीं देवे फाइनल लिस्ट, तब तक उस एजेंसी की ही जिम्मेवारी बनती है कि उस प्रक्रिया को पूरा करे। बिहार सरकार ने क्या किया, रिजल्ट जारी करवा के बाकी जो मार्कशीट का स्क्रूटनी कर रही है वो अपने हाथ में शिक्षा विभाग ने क्यों ले लिया? और ऐसे लोगों को जिन लोगों का प्रमाण पत्र सही नहीं है, सर्टिफिकेट सही नहीं है, उसको भी ट्रेनिंग के लिए नियोजन पत्र देके और उसको भेज दिया है। तो ये पूरी तरीके से देखिए बिहार के युवाओं के साथ पूरी तरीके से यह धोखा है, यह धांधली है। और अब कह रहे हैं कि हम 70,000 1,00,000 लोगों को और नियोजन निकाल रहे हैं, यह लालच देना चाहते हैं ताकि लड़के आंदोलन नहीं करें, लड़के अपने अधिकार के लिए सड़कों पर ना आए और लड़कों के दिमाग में यह बात बैठा रहे कि चलो इसमें नहीं हुआ तो हमारा ये जो अभी नियोजन की प्रक्रिया आ रही है उसमें हो जाएगा। लेकिन फैक्ट यह है कि यह 1,22,000 पूरी तरीके से छलावा है। यह जो तेजस्वी यादव है यह अपने पिता की राह पर चल रहे हैं, लालू यादव के समय में चारा घोटाला हुआ था और तेजस्वी यादव के समय में यह शिक्षक फर्जी भर्ती घोटाला है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देश के नाम को लेकर काफी विवाद हो रहा है कि इसका नाम भारत रहा है, रखा जाए इंडिया, यदि इसका नाम इंडिया है तो इसमें क्या दिक्कत है? विवाद कहां है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा विवाद किया इस पर इंडिया है या भारत है? भाई हमारे देश के कानून में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत जी, ऐसा नहीं लिखा कि भारत दैट इज इंडिया, बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया जो कि भारत है, यानी कि इंडिया की पहचान किससे है? हिंदी में अगर हम उसको देखें कि इंडिया जो कि भारत है, तो दोनों नाम इसमें यूज करने का, इस्तेमाल करने का, इंडिया कीजिए या भारत कीजिए, इसमें संविधान में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि इंडिया फर्स्ट नेम एंड भारत सेकेंड नेम, कुछ नहीं है, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ। तो अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको भारत इस्तेमाल किया तो क्या आपत्ति, जब इंडिया के नाम पर आपत्ति नहीं हो सकता तो भारत के नाम पर भी आपत्ति नहीं होना चाहिए? ये सवाल उन लोगों से पूछना चाहिए जो भारत के नाम पर आपत्ति करता है। हाँ, यह कड़वा सच है। देखिए एक बात मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, संविधान में हम सभी लोगों का भरोसा है, विश्वास है, लेकिन संविधान दो तरह के हैं, मुझे ऐसे ये बात बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपने फॉर्मल टॉक्स चूंकि अपने प्रोग्राम का नाम रखा है तो हम फॉर्मल बात करने के लिए आपके साथ बैठे हैं और आपके दर्शकों के साथ। तो संविधान दो तरह का होता है, एक तो लिखित संविधान जिसको हम सभी लोग सम्मान करते हैं, मानते हैं, वह देश का हमारा संविधान है। दूसरा संविधान होता है जो समाज बनाता है, जो सोसाइटी बनाता है, हम भी उसका पालन करते हैं। देश हमारा आजाद हुआ 1947, संविधान बना 1950, लेकिन यह समाज हमारा 1950 में नहीं बना, 1947 में नहीं बना, यह सनातन समाज जिसमें भारत नाम का जिक्र है वह हजारों वर्ष पुराना है। जो लोग यह तर्क देते हैं कि कानून में इंडिया लिखा है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन परंपरा में जो नाम दिया इस भूखंड का उसका नाम था भारत, आर्यभट्ट भी नाम पड़ा, कई नाम पड़े, लेकिन अगर संविधान में भारत और इंडिया का दोनों का जिक्र है तो हम भारत की ही चर्चा करेंगे। और क्योंकि हमारे समाज ने इसका नाम भारत रखा है, जो स्वतंत्रता के पूर्व से गुलामी कालखंड में इसका नाम रहा है, इंडिया के फॉर्मर अंग्रेजों ने इसका नाम दिया, हमारी भूमि में तो इसका नाम भारत रखा है। संस्कृत में कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें भारत का जिक्र, इंडिया का तो जिक्र है नहीं। जिन लोगों को भारत के नाम पर आपत्ति है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, हमने तो सिर्फ भारत का इस्तेमाल किया, हमने इंडिया को हटाया खड़ी है, नरेंद्र मोदी जी ने भारत का भी इस्तेमाल किया, इंडिया का भी इस्तेमाल हो रहा है, हमने कोई संवैधानिक रूप से उसको हटाया कह ली, लेकिन कुछ लोग जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे देशवासियों को जरूर पूछना चाहिए कि इंडिया के नाम से आपको इतना प्रेम है, भारत के नाम से इतना नफरत है? अभी के युवा राजनीति में आना नहीं चाहते, उनका साफ कहना है कि
पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए एक बात तो बड़ा स्पष्ट है, मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा क्योंकि मैं खुद राजनीतिक क्षेत्र में हूं और काफी मेरा भी राजनीतिक आयु लगभग 32 साल हो गया है, तो मैं तो यही कहूंगा कि राजनीति अपने आप में, गंदा तो शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति के जो मूल मंत्र है वो मूल मंत्र में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम अपने खुद विधायक न बने किसी दूसरे को बना दें, खुद पद न पाए किसी दूसरे को, महत्वाकांक्षा नहीं रखें, कई ऐसी चीजें जो हम सामाजिक पारिवारिक जीवन में हम उसको नहीं रखते, उसको राजनीतिक में क्षेत्र में हमको रखना पड़ता है। इसलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा का क्षेत्र ही है, और अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा है तो निश्चित रूप से आप अपने लिए सोचेंगे, अगर आप अपने लिए सोचेंगे तो वह गलत तो होगा ही निश्चित रूप से, जहां निस्वार्थ होगा वहां गलत होगा। लेकिन मेरी युवाओं से यह निश्चित रूप से अपील है कि अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छा व्यक्तित्व अगर राजनीति में नहीं आएगा तो राजनीति एक बहुत बड़ा माध्यम है समाज की सेवा करने का, अपने समाज को एक अच्छा स्वरूप देने का, अपने समाज के जो आने वाली पीढ़ियां, जो आने वाला हमारा भविष्य है, उस भविष्य के लिए कुछ बेहतर करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र अगर कोई है तो वह है राजनीति। बशर्ते आप अच्छे नेक नीति के साथ अगर राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समाज को उसका लाभ मिलेगा। इसलिए मैं सारे युवाओं से कहूंगा कि आप उसको अपना कैरियर नहीं बनाए, कैरियर, चूंकि राजनीति में सबसे बड़ा परेशानी क्या है, जब लोग राजनीति को कैरियर बना लेते हैं, कैरियर का मतलब जब राजनीति को जीविका का साधन बना लेते हैं तब तो राजनीति में विकृतियां आने लगती हैं। इसलिए आप जीविका का साधन कभी राजनीति को न बनाए, जीविका का साधन हमेशा अपने किसी विभिन्न क्षेत्रों को चुने, सेवा का माध्यम, सेवा का साधन, सेवा का क्षेत्र अगर आप राजनीति को बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपका व्यक्तित्व तो भी हमेशा दिनों दिन निखरता रहेगा और आपके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, और आप ईमानदारी पूर्वक अपने समाज की रक्षा भी कर पाएंगे और अपने समाज का विकास भी कर पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।